दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राहु ग्रह का जो रत्न होता है गोमेद, वो कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। चाहे राहु आपका उच्च का ही बैठा है, कभी भी धारण ना करें। क्यों नहीं धारण करना, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो देखो जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो शनि ग्रह है वो दो घरों का मालिक होता है, एक तो चौथे घर का और तीसरे घर का। चौथा ग्रह है माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का। यानी कि अगर इन लग्न कुंडली वालों जातकों का माता मकान वाहन का सुख देखना है तो वो शनि से देखेंगे। और शनि तीसरे घर का भी मालिक होता है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, उद्यम, मेहनत, साहस का। अगर ये भी सुख देखना है, छोटे भाई बहनों का सुख देखना है इनका, तो वो भी हम शनि से देखेंगे। दोनों घरों का मालिक शनि है, तो बारी बारी से बात करते हैं कि कौन से घरों में होने पर शनि का रत्न दान करना है या नहीं करना। और सबसे पहले दोस्तों, जो शनि ग्रह की दृष्टियाँ होती हैं, तीन दृष्टियाँ होती हैं, एक तीसरी दृष्टि होती है, सातवीं और दसवीं दृष्टि होती है। मान लो अगर शनि ग्रह पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे रत्न धारण करने से फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या होगा, देखो जी, पहला घर जातक की सेहत होती है, उसका स्वभाव होता है, उसका रंग रूप होता है, तो यहाँ पे जातक के स्वास्थ्य में कमी करेगा, उसकी सेहत को खराब करेगा। और शनि की जो सातवीं दृष्टि है, सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि जीवन साथी का है, तो पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े भी करा देगा। और दसवीं दृष्टि पड़ेगी नौकरी व्यापार के घर के ऊपर, नौकरी व्यापार संबंधी खराब खराब फल देगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वैसे शनि ग्रह का रत्न धारण ना करें। एक कंडीशन, अगर शनि अस्त बैठा है फिर धारण कर सकते हैं, या उसका बल कम है, 0-1 डिग्री का बैठा है, 0-1 डिग्री या 28-29 डिग्री का बैठा है, या अस्त बैठा है, फिर आप यहाँ पे शनि ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, अगर राहु ग्रह के साथ बैठा है फिर भी धारण कर सकते हैं। अगर वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है, 10-20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो रत्न धारण ना करें। अगर शनि ग्रह आपका दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पर भी देखो जी, कुछ कंडीशन है, धारण करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्योंकि दूसरा घर धन का होता है, यहाँ पे गुरु ग्रह की राशि है, शत्रु राशि है, तो यहाँ पे नुकसान क्या आएगा, धन की हानि कराएगा, परिवार के सुख में कमी करेगा, वाणी कठोर कर देगा, जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। अच्छे फल क्या देगा, शनि की जो तीसरी दृष्टि है अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, उम्र लंबी करेगा। दसवीं दृष्टि पड़ेगी ग्यारहवें घर के ऊपर, धन लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन खराब फल क्या देगा, सिर्फ यही देगा कि धन की हानि कराएगा, धन आएगा जरूर, धन खर्च होता रहेगा, इसके अलावा परिवार से कम बनेगी, वाणी कठोर करेगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको माता मकान वाहन का सुख चाहिए तो फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धन की हानि कराना चाहते हैं तो फिर धारण ना करें। उम्र लंबी करनी है फिर भी दान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका देखो जी फार्मूला वही जरूर अपनाना है, अगर अस्त बैठा है, मृत बैठा है, यहाँ पे मतलब अस्त, हस्त का मतलब होता है ये मृत बैठा है। अगर शनि ग्रह आपका अस्त बैठा है, 0-1 डिग्री, 28-29 डिग्री का बैठा है, तो आप बिल्कुल इसका धारण कर सकते हैं। या राहु ग्रह के साथ बैठा है, पापी ग्रह के साथ बैठा है, धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही 10-20 डिग्री के अंदर बैठा है तो धारण ना करें। शनि अगर तीसरे घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि अपने खुद के घर में बैठा है, तो जिसकी वजह से आपको दोनों घरों के अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, शनि यहाँ पे भी आपको खराब फल देगा। अगर वो ऑलरेडी पहले बलवान बैठा है, मतलब अगर वो 10-20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो यहाँ पे शनि ग्रह का रत्न धारण ना करें, क्योंकि संतान के मामले में कष्ट दे सकता है आपको। बाकी आप वहाँ पे अगर उसका बल कम है, अस्त बैठा, धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चौथे घर में आपका शनि ग्रह बैठा है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। फायदे भी हैं, यहाँ पे भी देखो जी नुकसान है, लेकिन शनि चलो अपने घर में बैठा है, फायदे क्या देगा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जैसा सभी सुख जातकों को देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, ज़्यादा मात्रा में देगा। और आपको मैं बता दूं कि रत्न क्या का काम करता है। देखो जी, रत्न सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाता है, जैसे कि मैंने शनि ग्रह का नीलम धारण किया है, तो रत्न क्या करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ाएगा। अगर शनि यहाँ पे अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ेंगे, अगर बुरे फल दे रहे हैं तो बुरे फल बढ़ेंगे। अगर दोनों बल बढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छे फल भी दे रहा है उस जातक को, बुरे फल भी दे रहे हैं, तो दोनों बल बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे नीच राशि के ऊपर, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव के ऊपर, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, लगन को देखेगा, रोगी बना देगा। अच्छे फल यही देगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद का सुख दे देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अगर फार्मूला अपनाना है, अगर अस्त बैठा फिर बिल्कुल धारण कर सकते हैं यहाँ पे। अगर वैसे भी बल कम लेके बैठा धारण कर सकते हैं, अगर पहले ही ऑलरेडी जवान बैठा भाई धारण ना करे रत्न। पाँचवें घर में बैठा है, यहाँ पे भी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे ये देगा कि जातक को काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा बना देगा, जातक बुद्धिमान होगा,
विदेशी भाषा का जानकार होगा, नुकसान क्या देगा, शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी साथ में घर के ऊपर, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा। इसके अलावा शनि लाभ के घर को देखेगा, लाभ करा देगा, धन लाभ करा देगा, तो नुकसान ये देगा, संतान के घर में बैठा तो संतान संबंधी भी खराब फल जरूर देगा, संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता जाते को जरूर लगी रहेगी। तो यहाँ पे रत्नदार ना करें, करना है तभी करें जब वो अस्त बैठा है। डिग्री उसकी देखो, उसके पीछे एक नंबर जरूर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे शनि मान लो बैठा है, इन सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर 0 लिखा है, ऐसे ही शनि अगर यहाँ पे बैठे उसके पीछे 0 लिखा है, एक नंबर लिखा है, 2 लिखा है, जहाँ 28-29 डिग्री का बैठा है या अस्त बैठा है, फिर आप उसका दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर शनि ग्रह आपका छठे घर में बैठा है, रत्न बिल्कुल दान ना करें यहाँ पे, क्योंकि वो नीच राशि में बैठा है, बिल्कुल आपको खराब फल देगा यहाँ पे, बल्कि उसका दान करें। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, तेल का दान जरूर करें अगर आपका शनि छठे घर में बैठा है, क्योंकि ये माता को उठ के चलेगी छठे घर में, माता के सुख में कमी करेगा, मकान वाहन के सुख में कमी करेगा, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करेगा, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु परेशान करेंगे, आपके सर के ऊपर कर्जा होगा, कोड़ जीने के चक्कर लगाना, ये सबसे खराब प्लेसमेंट है शनि की। यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब लाइफ टाइम मंत्र जाप करें। साथ में घर में बैठा है यहाँ पे देखो जी, अच्छे फायदे भी हैं खराब भी हैं, क्योंकि साथ में अगर विवाह का है तो यहाँ पे अगर बैठा, वैसे मित्र राशि में बैठा क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है, तो पति पत्नी में आपस में कभी भी नहीं बनेगी, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर शुक्र भी खराब बैठा है तो फिर तो तलाक भी करा देगा। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं, फिर शनि ग्रह अगर साथ में घर में बैठा है तो रतन धारण ना करें। हाँ अगर आपकी शनि आपके साथ में घर में बैठा है, अगर आप माता मकान वाहन का सुख चाहते हैं, फिर धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि दसम दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, अपने घर को देखेगा, लेकिन शनि यहाँ पे लगन को भी देखेगा, आपको रोगी भी बनाएगा, आपके स्वास्थ्य में भी कमी करेगा। तो यहाँ पे भी भाई रत्न धारण ना करें, करना तभी है अगर वो बिल्कुल अस्त बैठा है या मृत बैठा, डिग्री कम लेके बैठा, वो भी कंडीशन तभी है अगर वो आप मतलब अपनी मकान वाहन का सुख चाहते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से रत्नदान ना करें, खाली मंत्र जप करें। अगर शनि यहाँ पे भी आपका बैठा है, रत्नदान ना करें, क्योंकि आठवां अगर खराब घर माना गया है, सिर्फ एक फ़ायदा देगा, उम्र लंबी करेगा, बाकी दूसरा कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर वो भी डिग्री अच्छी लेके बैठा है फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर अस्त बैठा है वो भी, फिर भी आप दान कर सकते हैं, वो भी इसलिए अगर आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आ रही, मकान वाहन का सुख चाहिए, तब आप धारण कर सकते। वैसे मेरे हिसाब से धारण ना करें, सिर्फ मंत्र जाप करें। नवम भाव में बैठा है यहाँ पे भी धारण ना करें, क्योंकि शत्रु राशि है, भाग्योदय संबंधी परेशानियाँ देगा। इसके अलावा दसम दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ेगी, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। हाँ अपने घर को देखेगा तो आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगा। धारण ना करें, खाली मंत्र जाप ही करें। धारण अगर करने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपको माता मकान वाहन संबंधी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, या यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, कंडीशन देखो जी काफ़ी कंडीशन होती हैं। अगर राहु से पीड़ित बैठा है, राहु क्या करेगा, माता को बीमार करेगा, लंबी बीमारी दे सकता है। फिर आपका अगर शनि यहाँ पे अस्त बैठा है या डिग्री कम लेके बैठा है या राहु के साथ बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे शनि बैठा है, दसम भाव में बैठा है, क्योंकि दसम भाव नौकरी व्यापार का काम काज का होता है, तो यहाँ पे फायदा क्या देगा, आपको सरकारी नौकरी दिला देगा, बाकी आपको फिर भी मतलब कामकाज संबंधी परेशानी तो जरूर आएगी। और सातवीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा। यहाँ पे भी देखो जी आप दान कर भी सकते हैं, नुकसान क्या देगा, बारहवें घर को देखिएगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ हो सकता है, विदेशी व्यापार भी करवाएगा आपसे, थोड़ा सा पत्नी घर को देखा, पत्नी के साथ मनमुटाव। यहाँ पे अगर करना है दान आपने, अगर आप का शनि अस्त बैठा है, डिग्री कम लेके बैठा है, फिर दान करें। अगर वो पहले 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर आप दान ना करें, ये जरूर डिग्री जरूर देख लें उसकी, क्योंकि वो उसका बल है। शनि अगर यहाँ पे बैठा आप दान कर सकते हैं, लेकिन तभी दान करें जब वो अगर वो अस्त बैठा है, अगर वो पहले ही जवान बैठा है भाई दान ना करें। तो यहाँ पे देखो अगर आपका शनि 12वें घर में बैठा है, वैसे उच्च राशि है, फिर भी इसका रत्नदान ना करें, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। उच्च का बैठा ठीक है, लेकिन घर अच्छा ना होने की वजह से यहाँ पे शनि का रत्नदान ना करें। हाँ अगर आप विदेश जाने की आपकी इच्छा है फिर दान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वैसे तो आप दान ना करें, अगर वो अस्त बैठा है शनि आपका, फिर आप दान कर सकते हैं, बाकी किसी भी कंडीशन पर रत्नदान ना करें, करना है सिर्फ इसका मंत्र जप करें। तो दोस्तों जो शनि ग्रह का रत्न होता है नीलम होता है, इसे पंच धातु में दान किया जाता है या सोने में, चांदी में कभी नहीं दान करना है। और अपने जो पुरुष होते हैं वो राइट हैंड में दान करें सबसे लंबी फिंगर में, जो लेडीज है वो लेफ्ट हैंड की सबसे लंबी फिंगर में दान करें। शनिवार के दिन दान करना है शाम के समय, सूर्यास्त होने के बाद। अलग से वीडियो बना रखी है कैसे दान करना है, उस वीडियो को जरूर देख लें।